दोस्तों, आज से लगभग करोड़ों साल पहले धरती पर एक विशाल काय जीव हुआ करता था, जिसे हम सब डायनासोर के नाम से जानते हैं। और डायनासोर को आपने अक्सर मूवी में देखा होगा। और डायनासोर के बारे में एडवेंचर बातें सुनना या उनको टीवी में देखना किनको पसंद नहीं होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डायनासोर कहाँ से आए थे, उनका जन्म कैसे हुआ और वह कितने प्रकार के होते हैं? और वीडियो के लास्ट में आखिर धरती पर ऐसा क्या हुआ कि पूरी की पूरी डायनासोर की जाति विलुप्त हो गई? अगर आपको यह सब नहीं पता है तो डोंट वरी, हम किस लिए हैं भाई। मैं आपको इस वीडियो में डायनासोर से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिसको आज तक आपने कभी सुना ही नहीं होगा। तो चलिए आपको ले चलते हैं डायनासोर की पुरानी दुनिया में। दोस्तों, डायनासोर जैसे बड़े जीव का अस्तित्व पृथ्वी पर मानव प्रजाति के जन्म से बहुत पहले हुआ करता था। दोस्तों, डायनासोर की उत्पत्ति आज से करीब 23 करोड़ साल पहले हुई थी। जिस समय डायनासोर की उत्पत्ति हुई थी उस समय सातों महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन डायनासोर के उत्पत्ति के बाद कुछ भौगोलिक गतिविधियों की वजह से यह द्वीप एक दूसरे से अलग होने लगे, जिसके कारण डायनासोर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहुंच गए और पूरी धरती में फैल गए। दोस्तों, अलग अलग स्थान में होने के कारण इन डायनासोर में परिवर्तन आने लगे और इनकी प्रजातियां भी बढ़ने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक डायनासोर की करीब 3000 प्रजातियां धरती पर थी। इन प्रजातियों में सबसे ज्यादा मात्रा में शाकाहारी डायनासोर थे। डायनासोर के प्रजाति में सबसे खतरनाक डायनासोर ट्राइनासोरेक्स प्रजाति के होते थे और इन्हें टी रिक्स भी कहा जाता है। ये मांसाहारी थे। ये डायनासोर दक्षिणी और पश्चिमी अमेरिका में पाए गए थे। ये डायनासोर की लंबाई करीब 14 से 15 मीटर के करीब होती थी और इनके सूंघने की शक्ति बहुत तेज थी। टेरिक्स प्रजाति के डायनासोर को करीब एक दिन में 9 से 10 टन के मांस की आवश्यकता होती थी, तब जाके इनका पेट भर पाता था। यह अपने दो पैरों से भागते थे और आगे के दो पैरों का इस्तेमाल शिकार पकड़ने के लिए किया करते थे। टेरिक्स डायनासोर की पूंछ बहुत ही लंबी हुआ करती थी और एक टेरिक्स डायनासोर की आधा वजन उसके पूंछ में हुआ करता था, जिससे कि पूरे शरीर को संतुलन मिल सके। और दौड़ते वक्त इनकी पूंछ सख्त होकर के इनके सर के बराबर हो जाती थी, ताकि शिकार के वक्त इनका शरीर असंतुलित न हो जाए। दोस्तों, टेरिक्स प्रजाति के डायनासोर के बारे में कहा जाता है कि यह प्रजाति सबसे पहले विलुप्त होना शुरू हो गई थी, क्योंकि इन्हें खाने के लिए बहुत ज्यादा मांस की आवश्यकता होती थी। यह एक दिन में करीब 9 से 10 टन मांस खा जाते थे। इसलिए समय के साथ जंगल के सारे छोटे जीवों का खात्मा होना चालू हो गया। तो कुछ टेरिक्स भूख के मारे मारे गए और कुछ लड़ाई करके मारे गए और धीरे धीरे यह प्रजाति बिल्कुल खत्म हो गई। तो वही एक दूसरी प्रजाति के डायनासोर की बात करें तो डायनासोर की दूसरी प्रजाति अपाइटासोरस थे, जो कि पूरी तरीके से शाकाहारी थे। इस प्रजाति के डायनासोर को ब्रोंटासोरस भी कहा जाता था। इस प्रजाति के डायनासोर के अवशेष 1887 में मिले थे। इस डायनासोर के शरीर का पूरा भाग मिला था, लेकिन इसकी खोपड़ी गायब थी। तो वैज्ञानिकों ने कई खोज और प्रयोग करके डायनासोर के सर के भाग का अनुमान लगा लिया था। इस डायनासोर का सिर भी दूसरे डायनासोर की तरह ही था। लेकिन आप कहेंगे कि इसमें हैरानी की क्या बात है? तो दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि डायनासोर जैसे बड़े जीव का दिमाग इंसान के दिमाग से भी छोटा था, चूंकि यह बात अपने आप में चौंका देने वाली है। दोस्तों, इस डायनासोर की लंबाई 20 से 25 मीटर तक हुआ करती थी और इसका वजन 25 से 30 टन हुआ करता था। डायनासोर के सारे साम्राज्य में अपाइटासोरस सबसे बड़ा डायनासोर था। यह शाकाहारी भी थे, पेड़ों के पत्तियों और घासों को खाया करते थे। इस डायनासोर को करीब 8 से 10 टन पत्तियों की आवश्यकता होती थी, तब जाके इनका पेट भरता था। इन डायनासोर की पूंछ लचीली हुआ करती थी। यह अपने पूंछ का इस्तेमाल अपने आप को सुरक्षित करने के लिए किया करते थे। किसी से लड़ाई के दौरान यह अपनी पूंछ से वार किया करते थे। अन्य डायनासोर के मुकाबले यह मजबूत और शक्तिशाली थे, लेकिन यह डायनासोर काफी शांत स्वभाव के थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक अगर यह डायनासोर आज के जमाने में होते तो इन डायनासोर को पालतू जानवर बनाया जा सकता था। यह इंसान के परिवार के साथ बड़े ही आराम से रह सकते थे। दोस्तों, करीब 60 साल पहले जो अंडा उत्तरी अमेरिका में पाए गए थे वह अंडे अपाइटासोरस प्रजाति के ही थे, क्योंकि मांसाहारी डायनासोर के मुकाबले इन डायनासोर के अंडे बड़े थे। दोस्तों, वैज्ञानिक के मुताबिक जमीन पर चलने वाले डायनासोर के मुकाबले उड़ने वाले डायनासोर ज्यादा बड़े थे। हालांकि कुछ उड़ने वाले डायनासोर छोटे भी हुआ करते थे। उड़ने वाले डायनासोर का आकार एक हमिंग बर्ड से लेकर के एक बड़े ऑप्टोटोरस के जितना हुआ करता था। उड़ने वाले डायनासोर को पेट्रोसोरस कहते हैं। वैज्ञानिकों के खोज के बाद बताया कि शुरुआत में यह चीज जमीन पर चला करते थे। इन डायनासोर के शरीर पर छोटे छोटे पंख हुआ करता था, लेकिन जमीन पर चलते चलते इन्होंने उड़ना शुरू कर दिया और यह धीरे धीरे उड़ने की कला में माहिर होते गए। और करीब 1000 साल बाद
पेट्रोसोरस की अब आने वाली नई प्रजाति के पंखों में बदलाव हुआ। यह डायनासोर बड़े पंखों के साथ उड़ना शुरू कर दिए। एक रिसर्च के रिपोर्ट में बताया गया कि इन डायनासोर के पंखों की लंबाई 10 मीटर यानी 32 फीट के करीब थी। जब यह फ्लाइंग डायनासोर अपने पंखों जैसे पैरों पर खड़े होते थे तो यह जिराफ के बराबर दिखते थे। कुछ सालों पहले इनके जीवाश्म से इन उड़ने वाले शिकारियों के दांतों के बारे में जब स्टडी की गई तो वैज्ञानिकों ने बताया कि यह फ्लाइंग डायनासोर क्या खाते हैं और साथ ही साथ उनके खाने में क्या बदलाव आया था। इनके दांतों पर बने निशानों के आज के घरेलू और छिपकलियों से तुलना करके देखा गया तो वैज्ञानिकों ने पाया कि शुरुआती पेट्रासोरस ज्यादातर शाकाहारी जीवों को अपना खाना बनाया करते थे। बाकी प्रजातियों ने मांस और मछली खाना शुरू कर दिया था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में यह जीव अच्छे से उड़ भी नहीं पाते थे। उनका आकार आज की चिड़िया से लेकर एक जिराफ जितना बड़ा हो सकता था और वो अपना खाना छोटे छोटे कीड़ों से लेकर के बड़े डायनासोर को बना लेते थे। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये जीव जमीन से डायरेक्ट उड़ना प्रारंभ नहीं किए थे बल्कि वो कहीं ऊंचाई पर जाकर के छलांग मारते थे और शायद इसी तरह करते करते डायनासोर के 3000 जातियों का उत्पत्ति हुआ और वह रहना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों ऐसे और भी डायनासोर हजारों तरह के रहे हैं, कुछ के बारे में तो कोई जानता तक नहीं है अभी, लेकिन लगभग 6.5 करोड़ साल पहले कुछ रहस्यमयी कारणों से डायनासोर पृथ्वी से गायब हो गए। जिस समय डायनासोर पृथ्वी से विलुप्त हुए उसी समय और भी प्रजातियां उनके साथ विलुप्त हो गई। डायनासोर के विलुप्त होने का कारण अनेकों कारण बताए जाते हैं, जैसे कि कई सारे ज्वालामुखियों का विस्फोट, भूकंप या किसी उल्का पिंड का धरती से टकरा जाना। कुछ वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार लगभग 6.5 करोड़ साल पहले एक विशाल काय उल्का पिंड 180 ट्रिलियन के फोर्स के स्पीड से पृथ्वी से टकराया था, जिससे बहुत तेज भूकंप की स्थिति बन गई थी। उस भूकंप की वजह से पानी और रोशनी की कमी हो गई थी, जिसके कारण पृथ्वी पर रहने वाले ज्यादातर जीव मारे गए थे। सभी डायनासोर का अंत हो गया। वैसे वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें ताकि वह भी इसके बारे में जान सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।